शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मा अलविदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा रतन। इस चैनल पर आप किडनी रिलेटेड हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट डाइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे CKD के सिम्टम्स के साथ। सिम्टम्स हैं जैसे फिटीगनेस या थकान महसूस होना, भूख ना लगना, सोने में परेशानी, मसल क्रैम्पिंग, बॉडी में स्वेलिंग होना, ड्राई या फिर इची स्किन होना। और लास्ट सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। CKD में दोनों किडनीज को ख़राब होने में महीनों से सालों तक का समय लग जाता है। शुरुआत में दोनों किडनी की फंक्शनिंग में कमी होने के कारण कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे किडनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है वैसे वैसे पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होने लगती है, तकलीफ बढ़ जाती है। इस बीमारी के होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला है पेशेंट का डायबिटिक होना। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में 30-40% पेशेंट्स की किडनीज डायबिटीज से ख़राब होती है। दूसरा है हाई BP। 30% ऑफ द पेशेंट्स हाई BP की सही ट्रीटमेंट ना होने के कारण CKD पेशेंट्स बन जाते हैं। थर्ड है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। CKD में बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है और किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। फोर्थ है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें किडनी में बलून फॉर्मेशंस बन जाते हैं और ये CKD का प्रमुख कारण है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की ट्रीटमेंट की। ज़्यादातर पेशेंट्स डायलिसिस ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल दवाइयों के ज़रिए ब्लड से निकल जाता है, इसलिए डायलिसिस इलाज के लिए चूज़ किया जाता है। डायलिसिस का इलाज दो तरह का होता है, पर डायलिसिस एक पेनफुल इलाज है। ऐसे में हम आपको किडनी ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। अब आपको बताएंगे कि कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन और हर्ब्स आप ले सकते हैं अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे कि पुनर्वा मंडूर, चंद्र प्रभावती, गिलोय, मुक्ता पिष्टि, मुक्त पंचामृत रस का सेवन आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ कर सकते हैं। नियमित रूप में एलोवेरा जूस, ज्वारे का रस आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे CKD पेशेंट्स की डाइट की। हाई फॉस्फोरस और हाई पोटेशियम वाले फूड्स जैसे साबुत अनाज लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। अगर आप हार्ट पेशेंट है या आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आप लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट फूड खाएं। सोडियम कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स का इंटेक कम करें। लिमिटेड क्वांटिटी में लिक्विड और कैलोरीज लें। प्रोटीन डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कंज्यूम करें और साथ ही विटामिन सी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा आप ना लें। तो ये थी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट से जुड़ी ज़रूरी जानकारी। अगर आप या आपका कोई अपना इस बीमारी से जूझ रहा हो तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से ज़रूर संपर्क करें। हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ये जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो और ऐसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।